खान को या पठान को हम बायकॉट कर रहे हैं? अगर देश भर में बायकॉट हो रहा है तो देश के सहित सहित हैदराबाद में भी पठान मूवी का बायकॉट होगा। पठान को हम बायकॉट कर रहे हैं, खान और पठान को बायकॉट करने का काम, खान और पठान को बायकॉट करने का काम हम नहीं कर रहे। अगर खान को अगर बायकॉट करना होता, पठान को अगर बायकॉट करना होता तो रणवीर सिंह के बारे में हम बात नहीं करते थे। रणवीर सिंह भी एक हिंदू है लेकिन हिंदुओं के भी बारे में बात कर रहे। तो हमारा मकसद यह नहीं है कि किसी भी खान या पठान को डिस्टर्ब करना। हमारा मकसद ये है देश में बॉलीवुड किसी भी समाज या धर्म, किसी भी जाति या किसी भी संस्कृति के खिलाफ अगर करेगी तो हम सबका विरोध करने के लिए तैयार है। देखिए देश भर में, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, देश भर में आज पठान मूवी को लेकर एक बायकॉट का काम चल रहा है। अगर देश भर में बायकॉट हो रहा है तो देश के सहित सहित हैदराबाद में भी पठान मूवी का बायकॉट होगा। अगर सिनेमा थिएटरों में पठान मूवी अगर रिलीज होती है, पठान मूवी को, उस गाने को, बेशरम को अगर नहीं निकालते, अश्लीलता को नहीं निकालकर अगर हैदराबाद में रिलीज करते तो बराबर भारतीय जनता युवा मोर्चा उसका विरोध करूंगा। अगर उसका कुछ भी जिम्मा होगा तो वो थिएटर मालिक और बॉलीवुड सिनेमा के अधिकारी होंगे। खान को या पठान को हम बायकॉट कर रहे हैं। अगर देश भर में बायकॉट हो रहा है तो देश के सहित सहित हैदराबाद में भी पठान मूवी का बायकॉट होगा। Oh, God, oh, God, oh, God.